उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस भीषण हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में जहां 115 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। रात के अंधेरे में मौत ने दबे पांव दस्तक दी। इंदौर से पटना जा रही ट्रेन में सब कुछ ठीक था, लेकिन एकाएक 3:10 पर ट्रेन में भयानक आवाज उठी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर चुके थे। कई लोग नींद में ही मौत के मुंह में समा गए, तो कई यात्री जो जिंदा थे वो मौत को सामने देख खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने लगे। लेकिन जाते भी तो कहां, ना कोई रास्ता सामने दिख रहा था, ना बाहर निकलने की कोई तरकीब सूझ रही थी। आंखों में आंसू और लाचार कदम मौत से पल पल सामना कर रहे थे। किसी को अपना कोई सामने मरता दिखाई दे रहा था, तो कोई अपनों की तलाश में उसके नाम की गुहार लगा रहा था। किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने बेटा। इस हादसे में कई माथों के सिंदूर उजड़ गए, तो कई बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया उठ गया। मौत की अचानक दस्तक से कई परिवार बिखर गए। इस हादसे में ज्यादातर कोच पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ट्रेन के S1 और S2 डिब्बे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। AC कोच को भी भारी नुकसान हुआ है। इन डिब्बों से कड़ी मशक्कत के बाद जिन लोगों को बचाया जा सका है, वो भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस हादसे में NDRF, सेना, रेलवे, UP पुलिस और स्थानीय लोगों का राहत और बचाव कार्य काबिले तारीफ है। दुर्घटना की जगह पहुंचे और वहां वे देखा कि बहुत भयंकर भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें औरतों और बच्चों और आदमियों की बहुत आवाज़ें शोर चिल्ला रहे थे, जिसमें हम लोग ने उसके लिए बाहर निकाला और उनको मदद के लिए एम्बुलेंस में बिठाल के हैलट माटी पहुंचाया और उनको हम लोग ने पार्ले बिस्किट, मिनरल वाटर और चाय भी की व्यवस्था करवाई हमें स्थानीय लोगों ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा ने घायलों की मदद में अहम भूमिका निभाई है। मौके पर यूपी सरकार की 50 से ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद थी, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में काफी मदद मिली और इनसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सका। हादसे में मारे गए लोगों और घायलों का दुख तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने उनके परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार, यूपी सरकार, रेल मंत्रालय और MP सरकार ने मृतकों और घायलों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। PM मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। यह रकम रेलवे की तरफ से दिए जा रहे मुआवजे से अलग होगी। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों को 3.5-3 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए, जबकि आंशिक रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं यूपी सरकार ने मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50-50 हजार रुपए और आंशिक रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके साथ ही रेलवे ने झांसी से लखनऊ और कानपुर जाने वाली 3 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दी है और कई ट्रेनों की रूट को बदल दिया गया है। पुखराया से डीवी लाइव के लिए नफीस अहमद की रिपोर्ट। इंदौर पटना एक्सप्रेस में सवार होने से पहले कई लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। घटनास्थल पर हर तरफ चीखों पुकार है। हादसे को 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और राहत और बचाव कार्य अपने अंतिम चरण पर है। इस हादसे में अभी मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। फिलहाल दुर्घटना की वजहों का पता नहीं चल पाया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जाँच के आदेश दे दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। देखते रहिए DB लाइव।